हापुड़ की घटना को लेकर वकीलों का जबरदस्त प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बलरामपुर के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करी। बीते दिनों पुलिस के द्वारा हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करी गई थी। वकीलों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया था। दोषी के विरुद्ध कार्रवाई न करना सरकार का तानाशाही रवैया है, जो कि गलत है और अधिवक्ता इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा अधिवक्ता आवाम का कहना है। पुलिस का रवैया तानाशाहपूर्ण है। हापुड़ के डीएम व एसपी के स्थानांतरण, अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए, वकीलों पर दर्ज फर्जी एफआईआर को स्पंज किया जाए। इस अवसर पर जिला बार के अध्यक्ष रामानंद मिश्रा, महामंत्री अजय बहादुर सिंह, युवा बार के अध्यक्ष अमित कुमार पांडे, कलेक्ट्रेट बार के महामंत्री कमलेश्वर सिंह, आपदा राहत कोष के संयोजक शशांक त्रिपाठी, दुर्गेंद्र पाठक, अंशु श्रीवास्तव, देवेश मणि पांडे, सत्यदेव तिवारी, पंकज श्रीवास्तव, राजन शुक्ला, कमाल अहमद समेत सैकड़ों अधिवक्तागण शामिल रहे हैं। संवाददाता सुशील श्रीवास्तव, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। जुलूम के टक्कर में जिंदाबाद।